पूरो सुठो इंसान हो ऐं हमेशह पंहिंजे बचन खे तमामु बेहद प्यार कंदो हो। पर रुगो पंहिंजे बचन सां गॾु जेकी सिंधी आहे जेके मारवाड़ा झांगीड़ा भले कहिड़ा बि हुजनि पर उन्हनि सां तमामु प्यार ऐं कुर्ब वारो नमूनो हुनजो रहियो आहे ऐं तमामु सुठो इंसान हो ऐं पंहिंजे तरीक़े सां हर माण्हू सां तक़रीबन मूंखे यादि आहे त को वॾो माण्हू अची वेंदो हो त बाबा साईं उनखां ॿुधाईंदो बाबा को वॾो माण्हू अची वियो त मां चवंदो उनखे सबर करे ॿ मिंट वेहो ऐं पहुचांदो। पर ॿुधाईंदोसि बाबा को ग़रीब या को मिसकिन माण्हू पहुतो आहे त उहो अर्जेंट हलियो ईंदो, माना हू ग़रीबनि सां तमामु चयो की कंहिं ग़रीब केर उहो इंतज़ारु न करे ऐं तमामु पंहिंजे हिसाब सां ऐं यारनि सां दोस्तनि सां उनजो जेके बि रवियो हुयो कॾहिं हुन कूड़ न ॻाल्हायो, सदाई हुन सचु ॻाल्हायो ऐं तक़रीबन हुनजी जेको शाइरी हुई उनजी शाइरी में तक़रीबन तव्हांखे आदाब फ़क़ीर बि तव्हां ॿुधायो वियो त उनमें सिंध समायल हुई ऐं सिंध जो सचो आशिक़ु हो ऐं जॾहिं सिंध में जॾहिं इश्क सही तरह हुनजो थी वियो पोइ हुनखे ॿी कंहिं बि ॻाल्हि जी कंहिंसां दिलचस्पी न हुई, सिर्फ़ु सिंध ऐं सिंध हुई। ऐं उनजो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो शेर आहे, असां इश्क तुंहिंजे में अर्जी वियासीं जीअं चांवर था छरजनि तीअं छरजी वियासीं, उहो हुनजो मिसाल आहे। One of his couplet is very famous amongst youth. Ek mund chari aaye bija raat thari aaye ehde me achan tu jo bhagun ji bhari aaye ehde me achan tu hi jo bhagun ji bhari aaye ek mund chari aaye रात ठरी आहे ॾिस कहिड़ो ॾखण घुलियो थिया मां कफुड़ा मोती ॾिस कहिड़ो ॾखण घुलियो थिया मां कफुड़ा मोती ऐं वेस वणनि ढकियो पन पंहिंजा करे पोती ऐं वेस वणनि ढकियो पन पंहिंजा करे पोती वरी आ तो वराइण लई वरी आ तो वराइण लई उपछमर छायो रुत आई बसंतिया छा उपछमर छायो रुत आई बसंतिया जुट जोड़ थिया जो पन हर मन में मस्तिया हर कैसा हिते मुंशी हर कैसा हिते मुंशी पेंजी हूर परिया है हर कैसा हिते मुंशी पेंजी हूर परिया है अड़े में अचण तुझो अड़े में अचण तुझो भागन जी भरिया है एक मुंद चरी आहे बीजा रात ठरी आहे एक मुंद चरी आहे बीजा रात ठरी आहे बीजा रात ठरी आहे Whether democracy or period of mashallah Munshi always revealed his internal love for Sindh in his poetry. Sindhi language had a special place in his heart and he expressed his overwhelming love for his people through his poetry too. Even the fearful times of dictatorship
could not stop him from the struggle for the rights of Sindh and its people. People loved his songs as the anthem. Karun jhar khan kinjhar tai keti bandar khan kashmor motin khani mulk sajua marudan jo maru mor hin me hari an upain janja sonan jehra sang hin ja mahnu mohabbat bharya naz manjhan ta nibhain nang hin me jhupa jhangiyadan ja hin me jhungarun jhar jhang kafi wai bait jamalo bya budhande churande chang khuld barabar hin me khubiyun bya roop rasila rang duniya sari me dilbar des munje jo nahe dang sindh saje ji sindh sindhua jeh me ghatu kantha ghor motin khani mulk sajua marudan jo maru mor. In 1972, Hyderabad, at a Nationalist Party rally, Ibrahim Munshi recited his poetry, due to which he got arrested and jailed for 6 months and ₹5,000 fine. But these hurdles could not stop him from raising voice against the atrocities against Sindh. And once again, in 1973, he recited his Sindh Nationalist poetry and once again got arrested and was later sent to jail. In spite of the ban on using loudspeakers at a political rally, he read his poetry and got arrested this time for the 10 months of imprisonment. The first audio cassette of his songs got released in 1975 and got great acceptance by the public, but once again he was arrested and sent to jail. 14 साल अॻु में हिन जॻहियुनि ते हिन पधर में खटूं रखी मां ऐं मुंशी वेंदासीं कचहरी कंदा हुआसीं ऐं मुंशी जी शायरी ते त मां छा ॻाल्हायां ऐं एॾो वॾो शाइरु हो जंहिंजी का इंतिहा कान्हे का ऐं हुनजी शाइरी में रुॻो सिंध समायल हुई. हुनजी शाइरी सिंध आहे, भले चाहे उहा रोमांटिक हुजे चाहे इनकलाबी हुजे, पर हुनजी हर शाइरी में सिंध समायल हुई. जीअं हिकिड़ो शाइर आहे त हिकु मुंद चरी आहे ॿीजा राति ठरी आहे अहिड़े में अचणु तुंहिंजो भाॻनि जी भरी आहे. मुंशी सां मुंहिंजो वास्तो साईं तक़रीबन 30 सालनि खां आहे, जो मां राति ॾींहुं हुन सां गॾु रहियो आहियां. पोइ मेलनि में, मलाकड़नि में, जलसनि में, शादियुनि में, ग़मियुनि में, ख़ुशियुनि में, माना गॾु ई गॾु हूंदो हुओ असां. ऐं हिकिड़े ॾींहुं मूंखे चवंदी आहे, ॻाल्हि ॿुध, हे माण्हू पंहिंजी शाइरी सम्झनि कोन था, माण्हू म्यूज़िक ॿुधणु चाहिनि था, रिधम ॿुधणु चाहिनि था, त छो न पाण ॻाइणा थियूं. पोइ असीं बाक़ाइदे असां ॻाइण जी ट्रेनिंग बि वरितीसीं ऐं कैसटूं बि कयूंसीं. असांजा 3-4 एल्बम कैसट जा आहिनि. In 1983, during Zia regime, Ibrahim Munshi once again took active part against Musharraf uprising and later gave himself up for the arrest. Along with Sindhi language, poetry striking people, farmers, laborers and students, Ibrahim Munshi's poetry also focused upon and revealed his utmost hatred and anger against the feudalism and capitalism. His poetry clearly showed element of anguish and hatred. His poetry was a combination of truth, beauty and filled with undying love for Sindh. He had worked along few key nationalist politicians as G.M. Sayyid, Rasool Baksh Palijo and Shahid Fazal Rao. He had never taken any undue privilege nor political or official rankings throughout his life. इब्राहिम मुंशी जंहिं दौर में पैदा थियो उन दौर में हिकिड़ी शाइरनि जी पूरी कहकशां सिंध में झरकी रही, जंहिंमें शेख साहब, शेख अयास, तनवीर अब्बासी, शमशीर उल हैदरी, नियाज हुमायूनी, अब्दुल हकीम अरशद, राशिद मोराई, अलाए केतिरा वॾा शाइर जेके आहिनि से मौजूदु आहे. उन्हनि शाइरनि जे विच में इब्राहिम मुंशी जेका पंहिंजी शनाख़्त पैदा कई उहा तमामु हिकिड़ी मुनफ़रिद, शानदार ऐं इंतिहाई दिलि खे मोहींदड़ हुई. ख़ासि तौर ते हुन जी जेका मज़ाहमती शाइरी हुई उन सिंध जे सियासी ऐं अदबी माहौल में हिकिड़ा नवां ट्रेंड्स पैदा कया ऐं नओं जज़्बो पैदा कयो. ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, जंग 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 आहे, मुंहिंजी तोसां जंग आहे, पलीत पेर कर परे ही धरती मुंहिंजो नंग आहे, या कतियूं कई क़ैद में गुज़रियूं, चङो चेटनि में मिलंदासीं,
सरिया पीला जलींदी गुल उन्हनि खेतनि में मिलंदासीं या अहिड़े क़िस्म जी ॿी एॾी जेका मज़ाहमती शाइरी हुई जॾहिं बि जंग तबल वॻा त धारिया भू छॾे भॻिया इन क़िस्म जो जेको एक्सप्रेशन हो ईअं महसूसु थींदो त ॼण सिंध जे अंदरि हिकिड़ो रज़मिया माहौल जुड़ी वियो आहे जंहिंमें दोदे सुमरे जूं फ़ौजूं आहिनि जंहिंमें अलाउद्दीन जो लश्कर आहे ऐं जंहिंमें जेको आहे सो हिकिड़ी सिंध दोस्त क़ुवतुनि जी सिंध दुश्मन क़ुवतुनि खे ललकार आहे त सिंध में जेके अज़ाबनाक ॾींहं आयल हुआ 60s, 70s, 80s में यानी तरतीबवार अयूब जे दौर खां वठी जेके क़ौम परस्त ऐं वतन दोस्त तरीक़े सां प्रॉब्लम्स थिया या उन्हनि ते सख़्ती थी या अॻिते हली जनरल ज़िया जे दौर में इन दौर में सियासी कारकुननि खे अदीबनि खे शाइरनि खे जेकॾहिं जीअण जो गसु मिलियो जेकॾहिं उत्साह मिलियो ऐं जेकॾहिं हिकिड़ी सोसाइटीअ खे सही माना में मज़ाहमती ॾाकनि ते बीहारण में हिमत अफ़ज़ाई थी त उन में इब्राहिम मुंशीअ जी शाइरीअ जो तमामु वॾो हथु आहे दोज़ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड कंप्लीशंस लेफ्ट बिहाइंड बाय दिस फेवरेट नेशनलिस्ट पोएट हू प्रोफेस्ड लेसन्स ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड हैव प्रूव्ड टू बी द की चैप्टर ऑफ सिंध लिटरेरी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी संदे सूर ओ साथी कैसी संदे सूर घड़ी घड़ी में घाव नोए विख विखते वहलूर कैसी संदे सूर ओ साथी कैसी संदे सूर पर मुंशी की जो अवामी शायरी है ॿोली आहे मुतफ़िक़ थी मिसकीन अचो अॼु ॾाढ जा डूंगर ॾारियूं ॾे ॾाढ जा डूंगर ॾारियूं ॾे वेर पुराणा वारियूं ॾे या मौलवी साहिब जो जेको शेर आहे त अञा अरवाह अहमद जो न जन्नत में न जहनम में अञा अरवाह अहमद जो न जन्नत में न जहनम में बंभन वारनि जे भर पासे बिलातो आहे बंधन में हुजो न हाणे इहो बिलातो हुजणु माना क़ाबू जेको आहे सो इहे जेके ॿोली जा जेके हुसनाकियूं आहिनि लाड़ जे ख़ासि तौरु पट जूं हुनमें इहे ॿ माण्हू कमाल जा हुआ ऐं सर्वेश जी शायरी जेका आहे तमामु सुठी पर मुंशी जेको आहे सो हुनजो पंहिंजो रंग हो ऐं मुंशी शायरी जॾहिं ॿुधंदो हुउसि तॾहिं रोई पवंदो हुउसि ऐं एॾो दिलि ते असरु कंदी हुई असर पज़ीर हुई ॾाढी मुंशी जी शायरी ऐं ख़ासि तौर जॾहिं सुर में वेही झुंगारींदो हुओ कॾहिं कॾहिं पोइ वरी हिते हैदराबाद में जॾहिं आउं सवाल अख़बार कढंदो हुउसि तॾहिं जेको आहे सो ईंदो हुओ हिते पाण रहंदो बि हो पोइ कचहरी कंदा हुआसीं तक़रीबन रोज़ाने मुंशी सां इलाही कचहरियूं थियूं ऐं मुंशी ते केतिरी बि तनक़ीद कबी ॿियो हुई उहो मुंशी कॾहिं हुन ते चिड़े नाराज़ थिए इहो सुवाल ई पैदा कोन थो थिए इहा हुननि जो वॾो गुण हो कॾहिं कॾहिं वेही मूड में माण्हू यार मुंशी तूं हीअं कयो हीअ सॼी ॻाल्हि कई हीअ शहर हीअं हुई पर मज़ाल आहे मुंशी कॾहिं हुन ते नाराज़ थियो हुजे या हुन ते रिएक्ट कयो हुजे न वॾे दिलि गुर्दे वारो माण्हू हो ऐं हुनजी शायरी जो जेको हुसन आहे उहो जेको आहे हुनजो पंहिंजो रंग आहे लेट मोहम्मद इब्राहिम मुंशी वॉइस वॉज ऑल्सो रीज़न फॉर हिज़ फेम Poem composed and recited in his own voice would leave the audience in a state of trance. Eloquence was his forte. He knew and had mastered the art of luring audiences. Besides being a poet, he was also a folk artist. Usually he would voluntarily visit rallies and love to present his poetry and eagerly recited his poems and songs. This is true that his poetry had given strength to the nationalist movement. Ibrahim Munshi jaka shayari kai uha maanan mein jazbo valvalo unan ji qaumi soch unake un vado sagharo kayo un kare un maanu jaka shayari kai ya sarvech kai ya ye shayari jaka hui sa sanje qaumi tareekh ji mazamati shayari ja e bada nala hai ऐं असां वटि हाणे मज़ामती शायरी थिए थी पर उहा ॾाढी फन ऐं फ़िक्र ऐं हुन असलूबनि सां आहे पर असां वटि हाणे वरी शाइर अची विया आहिनि इन रमज़ ते महबूबा जा नक महबूबा जा ज़ुल्फ़ महबूबा जी खिल महबूबा जूं मुर्कूं पर जेको असांजो मज़ामती शायरी आहे उहा जेका मुंशी ऐं सर्वेच कई उहो दौरु वरी अलाए कॾहिं ईंदो
Munshi had poor health issues during his last years of life. Twice he had heart attacks, and on 31st July 2003 at Diwan Mushtaq Hospital, Hyderabad, he passed away after another episode of fatal cardiac arrest. But his songs are still part of every household in Sindh, and the echo of his memories resounds in the form of poems. His songs depicted vice of society, the deceptions of the unjust rulers, and inflictions upon poor. Even today, his songs stand in protest against any injustice and raise the slogan of war. कतियों कई कैद में गुजरियूं चंगो चेटन में मिलदासूं सरिया पीला झलींदी गुल उन्हन खेटन में मिलदासूं उतर जा वाव जने वरंदा अच्छा संग कांह सर कढंदा लांदियूं कुंजूं जिते कुन के उन्हन खेटन में मिलदासूं छड़े दरिया विंदो दहशत बनाए बेट बेलाटियूं चढ़ी तदें नाव नंढड़ी ते उन्हन बेटन में मिलदासूं पिरी जे प्यार पेंजे ते लगा पहरन मथा पहरा त लंघ लांघा झले मुंशी पया टेटन में मिलदासूं कतियूं की कैद में गुजरियूं चंगो चेटन में मिलदासूं थर पर बरसातूं अदी तोले असां प्यारा